एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग नंदिनी गुड मॉर्निंग रोशन अंकित एम ग्रूट क्रिस्टी विकास नितिन मिशन वैभव ठीक है और बाकी सभी लोग कहाँ हैं जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वाइज करंट अफेयर्स ठीक है मंथ वाइज यानी कि सितंबर है ना तो जनवरी से लेकर के सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स रहेगा यानी कि नाइन मंथ्स हुए है ना तो आपका यानी कि नाइन डेज तक का रहेगा तो यानी कि फर्स्ट डे जो रहेगा जनवरी सेकेंड डे फेबर फिर मार्च एक दिन एक मंथ का करंट अफेयर्स हम कवर करते हुए चलेंगे आपके एग्जाम से पहले ये जो नौ दिन की सीरीज रहेगी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है चलो सो so, शुरू करते हैं फिर रेडी सभी लोग गुड मॉर्निंग अनुषा रोकी उदय मिमी टैलेंट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ओके okay, सो so आगे चलते हैं फिर सवालों की तरफ जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा जिन बच्चों को बुक मिली हुई है मेरी करंट वाली उसमें ये सारा ऑलरेडी अवेलेबल है आप वहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को बुक नहीं मिल पाई क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है तो फिर उनके लिए मैंने मंथ वाइज करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट किया है बुक में आपको जुलाई तक का मिलेगा और उसके बाद वाला जो है वो आपको सीरीज ज्वाइन करनी है ठीक है चलो तो करते हैं फिर शुरू आज आज है जनवरी मंथ का करंट अफेयर लेकिन कुछ खूबसूरत से शब्दों के साथ शुरू करेंगे कहते हैं डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर जो लोग ये सोचते हैं कि कल से करेंगे मंडे से करेंगे या एक तारीख से स्टार्ट करेंगे है ना कुछ लोग तो बहुत ही महान होते हैं न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे नए साल से शुरू करेंगे तो नहीं जब कोई थॉट आपके माइंड में आता है जो आपके सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें कुछ यू नो स्ट्रेटेजी प्लान करनी है बिकॉज एग्जाम क्लियर करना है तो वो एक आपके गोल के साथ में जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा जिस वक्त वो थॉट आया वही टाइम सबसे अच्छा टाइम है है ना तो उसी वक्त उस चीज को क्या करना है आपने एग्जीक्यूट करना है ओके चलो सो so, uh, शुरू करते हैं ये जो करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी वो सारी चीजें बुक के अंदर भी कवर की गई हैं इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स अपॉइंटमेंट्स हो गई मिलिट्री एक्सरसाइज जो पर्सनल न्यूज हो गई इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी समिट्स हो गई इम्पोर्टेंट डेज हो गई स्पोर्ट्स की सारी न्यूज नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहेंगी वो सारी हम हाँ कवर करते हुए चलेंगे ठीक है चलो सो so, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा इसका पीडीएफ जो है वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ठीक है और पहला ही लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आज शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा ओके okay, शुरू करें हाँ भाई नवरात्रि भी आ रहे हैं और देखो हमारा भी क्या है नो दिन का ही करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है देखिए ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं देती हूँ टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया पर मिलता है और रही बात एप्लीकेशन की एप्लीकेशन पर तो इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी पी ठीक है इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में जाइए और वहां पर आप कम्युनिटी की बजाय आप नॉर्मल सर्च भी करोगे ना वीडियो तो भी आ जाएगी ठीक है कम्युनिटी पे आजकल कुछ इश्यूज चल रहा है तो वहां पे अपलोड नहीं हो पा रही बड़ी पीडीएफ जो होती है वो नहीं हो पाती है इसलिए चलो बताओ कश्मीर फर्स्ट ज्ञानपीठ अवॉर्डी पास अवे रिसेंटली वॉट इज हिज आपको बताना है कश्मीर के पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे जिनका निधन हो गया आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या था तो क्या आप लोगों ने आंसर किया बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है ये थे रहमान अली आप सभी जानते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड जो है जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है किस फ़ील्ड में मिलता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड है तो ये कश्मीर के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मिला अब्दुल गफार खान की आत्मकथा जो आई थी आपसे पूछा जा रहा है कि इस आत्मकथा को किसने रिलीज किया था तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ये रिलीज किया था किसने एम एस धोनी ने इसको रिलीज किया था ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर एम एस धोनी ने इस बुक को रिलीज किया था क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में जो है इसको लिखा गया था बुक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सी जो है वो किन्हें अपॉइंट किया गया था आपसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट का पूछा जाए किन किनका अपॉइंटमेंट किया गया इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि अनुराग कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया था थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए चलेंगे जहां कहीं जरूरत होगी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की मैं खुद से कर दूंगी बताइए डिजिटल इंडिया अवॉर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ई नाम विद्लाम अवार्ड बाय डैश तो ये जो अवार्ड्स दिए गए ई नाम अवार्ड दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अवार्ड दिया गया है ये किसको पंचायती राज को मिला है तो किसने प्रोवाइड किए हैं ये अवार्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बात है सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे पक्की बात है सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ठीक है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है पंचायती राज वाला अलग है वो आगे आएगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है ई नाम के नाम से ठीक है ये शुरू किया गया था एग्रीकल्चर के फील्ड में तो इसे अवार्ड मिला है ठीक है प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट हाँ जी व्हेन वॉज नेशनल ह्यूमन ट्राफिकिंग अवेयरनेस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड ह्यूमन ट्राफिकिंग को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल भी दिया गया है दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री है इसमें ह्यूमन ट्राफिकिंग के अगेंस्ट बोला गया है ये प्रोटेक्ट करता है इस चीज के खिलाफ ठीक है अच्छा एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 11 जनवरी को सेलिब्रेट होता है एक डे भी मनाया जाता है जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है 11 ऑफ जनवरी को इज इट ओके नेक्स्ट हां जी हु इज रिसेंटली बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई सुखोई फाइटर सुखोई विमान को उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट बन चुकी हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी है और अगर राफेल का पूछा जाए पहली महिला तो आप सभी जानते हैं ये कौन है शिवांगी सिंह है ये कौन हो जाएंगी शिवांगी सिंह हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट National Youth Day 2023 जो है, है? ये कब सेलिब्रेट किया गया है? नहीं आज का अफेयर नहीं होगा अब मैं एक काम करूंगी आज यानी कि 28 सितंबर से लेकर के और जब ये खत्म होगा नौ दिन के बाद नाइन डेज का जो करंट अफेयर है वो मैं कवर कराऊंगी एक मैराथन क्लास हो जाएगी उसकी ठीक है तो कॉन्टेंट वो भी आपका बन रहा है डेली बेसिस पर चलो बताना है नेशनल यूथ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेल्व जनवरी को किसकी जयंती किसके नाम पे विवेकानंद जी के नाम पे इसको मनाया जाता है ओके okay? अच्छा अगर आपसे इंटरनेशनल वाला पूछ लिया जाए तो ये होता है ट्वेल्व ऑफ अगस्त को ट्वेल्व अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे नेक्स्ट वेयर हैज द सक्सेसफुल ट्रेनिंग ऑफ पृथ्वी टू अभी पृथ्वी टू जो सफल ट्रेनिंग की गई थी चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया था ओके okay. ठीक है किस राज्य के चांदीपुर से इसे लॉन्च किया गया अच्छा इंग्लिश का गलत पूछा हुआ इंग्लिश में कुछ हो रहा है और हिंदी में कुछ हो रहा है बट क्वेश्चन आपका वही है ओडिशा के अंदर आपको मिलता है चांदीपुर रेंज ज्यादातर जो मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है वो यही से की जाती है कौन करता है? करता है? है। इसे कब बनाया गया? 1958 में दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसके नए हेड बन चुके हैं समीर वी कामत कौन बन चुके हैं समीर वी कामत इसके नए हेड हो जाएंगे ओके चलिए नेक्स्ट

नेक्स्ट हाँ जी अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट व्हिच इंडियन लैंग्वेज विल बी Taught इन पब्लिक स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया कौन सी भाषा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में सिखाई जा रही है और ये है इंडियन लैंग्वेज तो वहां पे भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें भी पंजाबी लोगों की इसीलिए पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है इसके अंदर कहाँ पे कौन सी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में यहीं पे मालाबार एक्सरसाइज हुई है इस साल वाली आपकी हिंदी में बोलते हुए अच्छी लगती हो हिंदी में बोलो क्या बात है मतलब देखो अपनी बात कहने का कितना बढ़िया इसने निकाला तरीका है मैडम आप हिंदी में एक होता है ना जनरली जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम प्लीज हिंदी में एक्सप्लेन करो मैम इंग्लिश में एक्सप्लेन करो इसका अलग ही है आप हिंदी में बोलते हुए अच्छे लगते हो इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन करो वाह मतलब मैं इसे क्या अपनी तारीफ समझूं कि तोहहीन समझूं है रिसेंटली अप्रूवल हैज बीन गिवन फॉर द परचेस ऑफ वी शॉर्ट मिसाइल सिस्टम इट हैज बीन डिजाइनड And developed by अभी क्या हुआ है वीएस रोड ये जो मिसाइल सिस्टम है ये खरीदा गया है इसकी खरीद को मंजूरी मिली है आपसे पूछा जा रहा है इसको कौन डिजाइन और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है तो ये आपको बताने किसके द्वारा ये डिजाइन और डेवलप किया गया है आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ओके ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है डी आर जीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या है मिसाइल सिस्टम है वीएसए रोड सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है इसको किसने डेवलप किया है डी आर डी ओ ने इसको डेवलप किया है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट किन्हें अपॉइंट किए गए के डायरेक्टर जनरल किया गया था अब आप देख लो कि कितने क्वेश्चन इनमें से कर पा रहे हो है ना पुरानी कितनी चीजें आपको याद है और जो बुक खरीद के बैठे है ना अगर उनको ये सवाल नहीं आ रहे तो कोई फायदा नहीं है फालतू तो में आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जो पढ़ते वो ले लेते फिर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एमफेक्स 2023 मेगा एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है कहां पर आंसर अभी सिक्स मंथ कंप्लीट होने के बाद 2023 का पूरा वन ईयर की बुक की हार्ड कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी कंप्लीट होने के बाद ठीक है आंध्र प्रदेश केरला पुडुचेरी या फिर गुजरात एमफेक्स 2023 23 ये क्या है एक एक्सरसाइज है किसकी एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज कहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया है तो क्या आप लोगों ने आंसर किया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आंध्र प्रदेश में नेवी ने अच्छा अगर मैं आपसे पूछू नेवल चीफ कौन है हमारे तो कौन है आर हरी कुमार है और नेवी डे जो है नेवी डे ये कब होता है चार दिसंबर को नेक्स्ट Which bank was recently honored with the Inclusive Finance India Award 2022? आपको बताना है कि कौन से बैंक को समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये कौन सा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कौन सा बैंक है? फ e हो जाएगा यहाँ पे ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है तो इसको दिया गया है ये वाला अवार्ड फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट जनवरी 2023 में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सर्विस को शुरू किया था ताकि जो पोस्ट भेजे जाते हैं वो जल्दी भेजे जा सके तो इसके लिए तरंग मेल सर्विस जो है ये कहां से स्टार्ट होती है ये गुजरात से स्टार्ट हुई थी कहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है कौन है यहाँ पे सीएम भूपेंद्र पटेल है और आचार्य देवव्रत गवर्नर है नेक्स्ट <coughs> किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 पे चीफ गेस्ट थे ये तो सबको पता है। जिसने इसका आंसर नहीं किया उसकी तो कुटाई होगी फिर बताओ क्या होगा इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ आंसर भी बताओगे और साथ में उनका नाम भी बताना है नाम भी बताना है साथ में देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इजिप्ट तो सब लोगों ने आंसर कर दिया ठीक है ठीक है लेकिन मुझे प्रेसिडेंट का नाम जानना है क्या नाम है सबसे पहले आंसर आए है राकेश ड्रोन का सब नहीं अच्छा है तुम्हारा अच्छा वेरी गुड अब्दुल फतेह अल सीसी -सी। क्या नाम है अब्दुल फतेह लसी ये बने थे हमारे एज ए चीफ गेस्ट इन जो आपका रिपब्लिक डे था ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है

मतलब बड़ी लेट तुम लोग आंसर करते हो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से ये वाला जो टाइटल है आपसे पूछा जा रहा है ये किसने जीता आंसर क्या हो जाएगा आंस एस के इन्होंने जीता वोमेन सिंगल का टाइटल इससे पहले ये 2017 और 19 में भी जीत चुकी हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये एग्जाम में पूछा गया है दो से तीन बार ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है अच्छा यहाँ पे साथ में ईयर भी दिया हुआ है ओके मैंने सिर्फ डेट देखा 24 जनवरी को ये जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जो शुरुआत है वो कब से होती है आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जो शुरुआत है ये कब से की गई थी कमल कुमार बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा तुम अनुषा पे फोकस मत करो वो पढ़ाई कर रही है तुम बस अपना अपने आप ऊपर फोकस रखो तुम बस ठीक है अपने ऊपर फोकस रखो हाँ अब बताओ 24 जनवरी तो ठीक है साथ में ईयर पूछा गया है आपसे 2008 में इसके शुरुआत होती है नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन विद प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिए गए थे क्या दिए गए प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड्स दिए गए थे बच्चों को आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कितने बच्चों को ये अवार्ड्स दिए गए थे तो बॉयज़ थे और फाइव जो है, वो यहां पे गर्ल्स थी कितने बच्चों को दिए गए इलेवन ग्यारह बच्चों को ये अवार्ड्स दिए गए थे चार तो आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में मिला था और एक जो है वो बहादुरी के लिए दिया गया था ओके ब्रेवरी के लिए नेक्स्ट ऑन विच डेट द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार या फिर आप कहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अवॉर्ड दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि ये इनकी जो जयंती होती है वो कब सेलिब्रेट की जाती है तो ये आप सभी जानते हैं ट्वेंटी थ्री ऑफ जनवरी को ये सेलिब्रेट की जाती है ठीक है इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल ठीक है अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि 2023 के अंदर 2023 में ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है जी मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको ये हिंट दे दिए मैंने अब इसका आंसर करेंगे आप लोग ठीक है जल्दी से बताइए नेक्स्ट चलते हैं तब तक हम देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो गया इस बोर्ड को ये आगे क्यों नहीं हो रहा? एक रुक जाओ बोर्ड को नजर लग गई है। तब तक मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दे दो जल्दी से अरे भाई क्या हो गया इस बोर्ड को हो गया क्या ठीक एक सेकेंड गाइस अगर ये क्लोज करना पड़ गया ना तो फिर दोबारा से पीपीटी आ जाएगी दोबारा से लगानी पड़ जाएगी क्या करें क्या करें अरे भाई लगता है क्लास को हवन वगैरह कराना पड़ेगा मुझे क्लास के लिए नहीं एंड थोड़ी ना करना है सब चला जाएगा फिर एक सेकेंड रुक जाओ मैं टीम को बुलाती हूँ है कोई इंजीनियर जो मुझे बता सके ये बोर्ड कैसे ठीक होगा है कितने इंजीनियर्स बैठे हमारी क्लास में किसी काम के नहीं हो तुम लोग किसी काम के नहीं हो तुम लोग बताओ मुझे क्या करना है इसमें इंजीनियर्स बताओ जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक से कौन कौन है भाई बताओ क्या करना है इसमें एप्लीकेशन इज इस नॉट रिस्पोंडिंग द प्रोग्राम में रिस्पोंड अगेन इफ यू वेट हम वेट ही कर लेंगे अभी एंड प्रोसेस नहीं कर सकते हैं कोई आ भी नहीं रहा है हमारे इंजीनियर्स और पता नहीं कहाँ बिजी हो रहे तब से घंटी बजाई जा रही कोई आ नहीं रहा है ये बोर्ड को क्या हो गया बीच में चलते चलते ये ऐसे कर रहा है अरे तो तुम्हारे आते ही ठीक हो गया नहीं देखो ऐसे आ रहा है मैं मतलब इस स्लाइड आगे कर रही हूँ नहीं हो रहा है हो गया एक सेकेंड रुक जाओ हो गया शायद हाँ थैंक यू सो मच हम्म अच्छा ये कौन सा इंजीनियर है भाई तोड़ दो मैडम बदल दो इसको ये बहुत बढ़िया ये इंजीनियर बनोगे रे तुम क्या इंजीनियर बनोगे तुम चलो सवालों पे फोकस कर लो जल्दी से इन विच यूनियन टेरिटरी गवर्नर आर के माथुर लॉन्च दूनिक नंबर दिया गया है किसके लिए दिया गया है कौन सी यूटी ने स्टार्ट किया है यहाँ पे इसमें क्या होगा जमीनें जिनकी भी हैं उनको मालिकाना हक इस तरीके से दिया जाएगा कि ये नंबर मिल गया जमीन का तो कोई आपकी जमीन हड़प नहीं सकता यानी कि जमीन से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट्स हैं जो विवाद हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो ये लद्दाख के अंदर शुरू किया गया क्योंकि आर के माथुर जो थे वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अब यहाँ पे नए आ चुके हैं अब कौन आ चुकी है बी डी मिश्रा जी आ चुकी हैं ये ध्यान रखिएगा ठीक है आगे चले देखो नेक्स्ट देखो मुझे लगा था तुम लोग इंजीनियर हो कुछ ना कुछ तो मुझे लगा सोल्यूशन यही से मिल जाएगा मुझे पर ऐसा ना हो तुमने तो नाक ही कटवा दी मेरी है हो ऑर्गेनाइज ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज इन जनवरी 2023 थाउजेंड सेंटर ऑप्स अलर्ट के नाम से एक एक्सरसाइज जो है वो 23 में कंडक्ट की गई थी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था इस एक्सरसाइज को किसने कंडक्ट किया था ये आपसे पूछा जा रहा है आंसर बताओ भाई जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर बीएसएफ ने कंडक्ट किया बिल्कुल सही जवाब है बीएसएफ ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था 21 से लेकर 28 जनवरी ये कंडक्ट की गई थी कब हुई थी जो सेवेंटी गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया था उसी में रिपब्लिक डे पे इसको इसको किया गया एक्सरसाइज को कंडक्ट नेक्स्ट यूनेस्को has decided टू डेडलाइन विच year's इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड women. जो अफगान लड़कियां और महिलाएं हैं उनके लिए उनको डेडिकेट करते हुए एक पूरा साल जो है वो क्या है इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया गया ऑफ एजुकेशन किसने यूनेस्को ने आपसे पूछा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर ईयर जो है ये कौन सा हो जाएगा तो क्या आंसर किया आप लोगों ने क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2023 यानी कि ये वाला साल है अगर मैं आपसे पूछू इसी तरीके से एक और चीज याद रखिएगा बाजरा वर्ष जो है बाजरा वर्ष जो है ये कौन सा डिक्लेयर किया हुआ है बाजरा वर्ष की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा कौन सा 2023 ठीक है इसके अलावा दलहन वर्ष जो है दलहन वर्ष ये 2000 किसको 2016 को को डिक्लेयर किया गया था नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मोदी जी ने किस राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए हैं यानी कि लैंड ऑनरशिप डीड्स टू बंजारा इन विच स्टेट अब जो बंजारा है ये क्या है ये जहां जगह मिलती वहीं पे डेरा डाल लेते हैं वहीं पे झुग्गे डाल लेते हैं वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसने ये कहा है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहां का ऑनरशिप दिया जाएगा यानी कि वो जगह आपकी होगी आपका मालिकाना हक होगा रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा आप जमीन को बेचना चाहो तो वो भी कर सकते हो फिर आगे चल के यानी कि है ना तो किसने ऐसा किया कर्नाटका ने वैसे तो ये मूल निवासी होते हैं राजस्थान के वहां पर आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं नेक्स्ट विच कंट्री विल टेस्ट न्यूक्लियर इंजन फॉर फ्यूचर मार्स मिशन कौन सा देश भविष्य में मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा तो यहाँ पे आ, मार्स मिशन जो है इसके लिए क्या किया जाएगा न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए न्यूक्लियर इंजन का टेस्ट किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो ऐसा करने जा रही है तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सी कंट्री यूएसए यहाँ की स्पेस एजेंसी कौन सी है नासा इसे कब बनाया गया 58 में इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डी सी में है ठीक है बिल ने जो है वो इसके हेड हो जाएंगे बिल्कुल सही है आगे देखो नेक्स्ट एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती के विस्तार में शीर्ष तीन देशों में भारत की रैंक क्या है यानी कि थ्री कंट्रीज इन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेट आता है आपका सिक्किम आ जाएगा सबसे पहला स्टेट अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूंगी तो ये कौन सा है लक्षद्वीप है पहली यूटी जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई है अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे की रैंक कौन सी है इंडिया की तो इंडिया जो है वो नंबर थ्री पे मिलेगा आपको इंडिया कौन सा नंबर पे मिलेगा नंबर थ्री पे मिलेगा इज इट ओके ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहां सबसे ज्यादा होती है तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेक्स्ट हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन व्हाट इज इट्स नेम अभी क्या हुआ था? जैसे कि आप लोगों के लिए क्या लॉन्च किया गया था लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या था आपने अगर वैक्सीन लगवा लिया है तो आपको मैसेज आ रहा था फोन में कि आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन सक्सेसफुली हो चुका है ऐसा ही एक और है इसी के तर्ज पे महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया जो प्रेग्नेंट है या फिर जिनका बेबी हो चुका है अभी नया बया न्यूली बॉर्न तो उनके भी टीके लगेंगे अब वो सारा रिकॉर्ड भी डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा इसके लिए लॉन्च किया गया था क्या लॉन्च किया गया था एक कोविन हो जाएगा ये कोविड के लिए था यूविन जो था वो महिलाओं के लिए था तो ऑप्शन बी होगा आंसर आपका ठीक है ऑप्शन बी होगा आंसर नेक्स्ट नेशनल वाटर्स डे कब मनाते उसी दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया यानी 25 ऑफ जनवरी 1950 को इसे बनाया गया था और इस दिन को हम नेशनल वाटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आंसर 25 ऑफ जनवरी ओके चलो रवि रूबी तुमको बड़ी हंसी आ रही है मतलब क्या ये कॉमेडी चल रही है कुछ यहाँ पे है कॉमेडी शो विद पिंकी सरोहा चल रहा है है आप इंस्टिट्यूट आपको बताना है कि अभी जो है न्यू डायरेक्टर बने हैं ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के कौन बने है? इनका नाम क्या है प्रोफेसर भरत भास्कर नाम है ना इनका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट आंसर ठीक है क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहां पे आपका करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं <clears throat> ये दुनिया का सबसे लंबा जो है कैलीग्राफी म्यूरल बनाया गया था कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर हैंडराइटिंग जैसे कि मेरी है, है ना इसको कैलीग्राफी बोलते हैं अब आप नहीं बोलते वो एक अलग बात है है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरी एक वॉल है जिसके ऊपर सबसे लंबी पेंटिंग की गई है और ये जो पेंटिंग की गई है है इसने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये नाम दर्ज हो चुका है गिनीज बुक के अंदर तो अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे ये किया गया मक्का के अंदर कौन से जगह पे मक्का के अंदर ग्रैंड मस्जिद रोड पे दुनिया की सबसे लंबी कितनी लंबी सेवेंटी फाइव मीटर लंबी है अच्छा किसने किया है इस पेंटिंग को तो इनका नाम है आ, इनका नाम है अमल फैलम्बन अमल फैलम्बन इनका नाम है ऑप्शन देख के याद आ जाएगा हम्म मेरी तो सबसे अच्छी है है ना देखा हम तो पहले ही बोल रहे थे है ना बस मुझे लगता है कि यूनेस्को के नजर ना पड़ जाए किसी दिन है हमारा भी नाम आ जाएगा फिर लिस्ट में चलो किसी ना किसी लिस्ट में <laughs> देखो पहला सरस मेला 2023 का आयोजित किस राज्य के द्वारा किया गया है आंसर जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इधर-उधर की बातें कम करो विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट सरस मेला अभी कहां पर आयोजित किया गया था तो ये आयोजित किया गया था कहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया था सरस मेला पहली बार हुआ था जम्मू कश्मीर में चार से लेकर चौदह फ़रवरी इसका आयोजन किया गया काफी सारे स्टेट्स में यह मनाया जाता है सरस मेला जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ था कौन से राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को शुरू किया है क्या है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को शुरू किया राजस्थान हरियाणा पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश बताओ भाई जल्दी से स्कूल ऑफ क्या है एक प्रोजेक्ट है जो स्कूल के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट ने इसको स्टार्ट किया था ओके okay. पंजाब ने स्टार्ट किया बिल्कुल सही है क्योंकि पंजाब में क्या है आम आदमी पार्टी है अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने क्या किया है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूल की तरह बना के चमका दिया अब वो चाहते हैं कि पंजाब में भी ऐसा ही हो तो यहाँ पे कुछ 117 ऐसे पब्लिक स्कूल हैं जिनको प्राइवेट स्कूल की तरह एकदम वैसा बनाया जाएगा ओके तो ये किसने स्टार्ट किया पंजाब ने स्टार्ट किया तेईस जिलों के 117 सरकारी स्कूलों को ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस ऐसे स्कूल चलो कैंपेन ये यूपी के अंदर लॉन्च किया गया था योगी जी ने नेक्स्ट बताओ आ टली ऑनर्ड विद्रीज नंबर वन पुलिस स्टेशन अवॉर्ड कौन सा ऐसा स्टेट है कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जो देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन पंजाब के सीवन सीएम है भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी से है ठीक है चलो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आसका पुलिस स्टेशन ये कौन से जगह पे मिलेगा ओडिशा के अंदर मिलेगा आपको कहाँ पे ओडिशा में मिलेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए 100% केसेस क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के मामले में कौन सा पुलिस स्टेशन जो है वो अभी आया था तो ये हो जाएगा हरियाणा पुलिस ये लास्ट ईयर डाटा रिलीज किया था इस साल का नहीं है ठीक है अच्छा अगर वैसे पूछ लिया जाए दिल्ली के अंदर कौन सा है पुलिस स्टेशन जो नंबर 1 पे आया था तो ये था सदर पुलिस स्टेशन ओके चलिए अच्छा फर्स्ट पे तो है आसका पुलिस ये आपको गंजम जिले में मिलेगा अगर पूछ लिया ओडिशा में कहा तो ये मिलता है गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और यही पर सेकंड नंबर पे भी ओडिशा का ही पुलिस स्टेशन आया है ये है गंजम पुलिस स्टेशन कौन सा गंजम पुलिस स्टेशन जो है ये नंबर टू पे आया है इस लिस्ट के अंदर ठीक है तो दोनों याद रखिएगा ओके आगे गंजम है गंजाम है जो भी है ऐसा ही है मतलब कुछ मिलता जुलता गंजाम होगा ये देख लो यहाँ पे भाई यहाँ देख लो कहीं लिखा होगा ना यहाँ पे गंजाम तो लिखा ही होगा नेक्स्ट हाल ही में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको बताना है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है ये किसे दिया गया है तो आंसर बताइए जल्दी से कौन से एयरपोर्ट को मिला है मनोहर इंसर एयरपोर्ट गोवा के अंदर मिलेगा इसने एनवायरमेंट के फील्ड में काफी अच्छा काम किया है ठीक है इस वजह से दिया गया है नेक्स्ट बनवारी लाल पुरोहित इनैगुरेट नॉर्थ इंडिया सोलर प्रोजेक्ट रिसेंटली बनवारी लाल पुरोहित ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी जगह पे पटना में चंडीगढ़ में शिमला में या फिर कानपुर के अंदर इसका इनगुरेशन किया गया है बिल्कुल सही आंसर है चंडीगढ़ के अंदर किया गया करेक्ट है चंडीगढ़ के अंदर क्या है सबसे बड़ी तैरती हुई सोर परियोजना जो है उत्तर भारत की पूछा जा रहा है उत्तर भारत की ये की गई है यहाँ पे ठीक है चलो इज इट ओके दो हजार के डब्ल्यू पी जो है वो इसका क्या हो जाएगी इसकी कैपेबिलिटी है नेक्स्ट इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट इंडिया स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज भारत पहला स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है कौन से शहर में स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन से सिटी के अंदर ये आयोजन जो है वो किया गया है तो कहाँ किया गया दिल्ली के अंदर कौन सी जगह पे दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया इसमें बस ये है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉन कंपनीज़ हो गई शिक्षा जगत में सौ से ज्यादा डिजिटल प्रतिनिधि भाग लेंगे और डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे ठीक है यूपीआई होकर विन जी ठीक है इन सारी चीजों के समाधान को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट बस ये नाम है कहाँ पे आयोजन हुआ नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वोमेन पर्सोनल ऑफ हुज़ कैमल ट्रूप महिला प्रहरी पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे 2023 रिपब्लिक डे जो 2023 था आपका अभी इसमें पहली बार किस महिला टुकड़ी ने भाग लिया है किसकी महिला टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया है सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसबी या फिर बीएसएफ आंसर बताओ जल्दी से दिलीप गुप्ता आज तो तुम बड़े शांत शांत से लग रहे हो क्या बात है चलो क्लास का सबसे शैतान बच्चा आज शांत बैठा है मतलब क्लास अच्छी चल रही है बी एस एफ बिल्कुल सही आंसर है क्या हो जाएगा बी एस एफ बी एस एफ ही जो है इसने सर्द हवा ऑपरेशन चलाया था ठीक है कौन सा सर्द हवा ऑपरेशन चलाया था लास्ट ईयर नेक्स्ट टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में किनको अपॉइंटमेंट किया गया है प्रवीण शर्मा संतोष कुमार यादव सिद्धार्थ शर्मा या फिर अनुल कुमार लाहौती आंसर क्या हो जाएगा भाई टाटा ट्रस्ट के जो सीईओ हैं ये कौन अपॉइंट किए गए हैं ओके बिल्कुल सही है किसने किया अच्छा ये तूफान से पहले की शांति है इसका तूफान तो संभाल लेंगे अनामिका का आंसर करेक्ट है सिद्धार्थ शर्मा इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपको बताने वेन डिड द इंडियन रेलवे स्टार्ट द आइडियल ट्रेन प्रोफाइल आइडियल ट्रेन प्रोफाइल जो है ये किसने स्टार्ट किया ये कब स्टार्ट किया इंडियन रेलवे ने क्या है इसका मतलब जैसे कि जब आप ट्रेवल करते हो टिकट्स की बुकिंग करवाते तो आपके टिकट्स कई बार बुकिंग जो होती है ना वो कंफर्म नहीं हो पाती आपके टिकट्स वेटिंग लिस्ट में चल रही होती हैं तो यहाँ पे कम से कम वेटिंग लिस्ट रहे इसके लिए जो है एक ऐसा ये लेकर आए हैं आइडियल ट्रेन प्रोफाइल आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई टू के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है चलो आगे चले नेक्स्ट देखो रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है अभी ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो है ये कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया था कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है आंसर विशाखापटनम को दिया गया कौन से रेलवे स्टेशन को मिला विशाखापटनम को मिला है ठीक है और अभी आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट पूछा जाए तो ये कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया तो अभी रिसेंटली मैंने दो चार दिन पहले ही पढ़ाया था कुछ याद आ रहा है किसी को मैं नहीं बताऊंगी उसका आंसर बता दो जल्दी से करके मुझे आंध्र प्रदेश में है, वो इतना बता देती हूँ मैं जल्दी आंसर यहां से शुरू होता है वी से पिछली बार भी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा उसका नाम वी से शुरू हो रहा था क्या था वो भी नहीं तुम लोगों ने आंसर किया आंसर ही नहीं करते हो तुम लोग पूछते भी नहीं हो दोबारा कि मैडम बोल गई दोबारा हम ही पूछ ले आंसर, हमें नहीं, तो। नहीं।, नहीं। याद है वो तो मैंने बता ही दिया है एक और है रेलवे स्टेशन जिसको मिला था अभी रिसेंटली हाँ प्रेमा सोनी का आंसर आया बिल्कुल सही विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स 743 पब्लिक जे ऑन 25 ऑफ जनवरी कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं 412 अवार्ड्स दिए किसने द्रौपदी मुर्मू जी ने नेक्स्ट ये सारे अवार्ड्स के लिस्ट जो है लगी हुई है पीडीएफ में मिल जाएगा ये खुद से आप लोग रिवाइज कर लेना ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चाइना ने तिब्बत में भारत की सीमा के पास गंगा की सहायक नदी पर क्या है एक नया डैम बनाया है अब उसकी वजह से सारा जो पानी है वो इन्होंने रोक लिया है और ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा हमारी नेशनल रिवर है इसके ऊपर पहला राइट इंडिया का है अब भैया उसका पानी ये रोकेंगे

अच्छा तो ये न्यूज थी भाई अब पूछा यही जा रहा है कि भारत की सीमा के पास गंगा नदी की ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर चाइना क्या है डैम बना रहा है आपको बताना है इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है आंसर महानदी मवजा जांगबो ब्रह्मपुत्रा या फिर गंडक विच इज योर आंसर जल्दी करो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर ये मावजा जांगबू रिवर भाई ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो चाइना में भी बहती है अब इसी के ऊपर चाइना क्या कर रहा है डैम बना रहा है जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी क्या हो जाएगा हमें कम मिलेगा इसको ज्यादा मिलेगा तो फिर आगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट तो होगी ना ये जो डैम है साढ़े मीटर से लेकर चार मीटर तक लंबा प्रतीत होता है क्योंकि सैटेलाइट्स के माध्यम से यह जानकारी निकाली है तो वो इतना जो है वो प्रतीत होता है यानी कि अप्रॉक्सीमेट होगा ये ठीक है चलो 2021 में इसका काम जो है वो शुरू किया गया था हां जी नेक्स्ट रिसेंटली रिलीज द लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ द एनुअल अवार्ड 2023 आउट ऑफ विच द मैन टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर वाज गिवन डिश बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये किन्हें चुना गया था 2022 के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंडिया के अंदर होने जा रहा है ये आप सभी जानते शाहरुख खान जो है वो ब्रांड वो क्या बनाए गए हैं एम्बेसडर बनाए गए हैं और एशियन गेम्स के एम्बेसडर कौन है अमूल स्पॉन्सर कौन कर रहा है नी स्पॉन्सरशिप किसके पास है अमूल के पास में है यहाँ पे कौन बताएगा आंसर क्या होगा क्या हो जाएगा बाबर आजम इज है देखो इसमें सारे लिस्ट दी हुई है एक सेकेंड एक सेकेंड सूर्य कुमार यादव है बाबर आजम जो है ये तो ये तो मैं ईयर चुने गए हैं तो पूछा क्या गया था ये तो पूछा था ना एक मिनट रुक जाओ यार क्या पूछा था इसमें आउट ऑफ विच द मैन स्टेटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अच्छा ओके टी ट्वेंटी पूछा ओके ओके माय मिस्टेक टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर हो जाएंगे बाबर, बाबर आजम पाकिस्तान से अब यहाँ पे इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अब आ जाओ सीधा वुमेन्स वाले पे वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीवर क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर नटालिया सीवर क्या बात है एक ही नाम याद नहीं करना पड़ेगा क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर नटालिया से हो गया तहालिया, बस मिलता जुलता नाम है बात खत्म कहानी कहां मिलेगी ठीक है अच्छा रिसेंटली इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे वॉज ऑब्जर्वड ऑन विच डेट अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ इसमें बुक के अंदर भी ऐसे दिया गया है लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है और आंसर यह दिया गया है ठीक है और ऑप्शन जो है वो भी यहां पे ऐसे दे दिया आ, ये दे दिया मेरे ख्याल से यह दिया हुआ है बुक के अंदर तो इसको ध्यान से जो पढ़ेगा जिसको क्रिकेट की थोड़ी भी नॉलेज है ना वो तो समझ जाएगा कि बुक में जो मिसप्रिंट है लेकिन एक्सप्लेनेशन में देखोगे ध्यान से तो उसमें ये ये दिया हुआ है 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 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव और पूछा गया है ये वाला है ना तो वो ध्यान रखिएगा मैंने बता दिया था वो एक करेक्शन था बस वो मैंने करा दिया था अब जिसको थोड़ी भी नॉलेज है क्रिकेट वगैरह की तो वो गलत नहीं करेगा वो समझ गया होगा एक बच्चे का आया था मेरे पास मैसेज चलो आगे देखो रिसेंटली इंटरनेशनल होलोकोस रिमेम्बरेंस डे मैंने पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे आंसर किया आंसर किया किया है है बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी सेवन ऑफ जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हां जी पद्म अवार्ड्स 2023 के लिस्ट जो है वो पूरी लगाई हुई है यहाँ पे टोटल अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं मैं इधर से सारी लिस्ट वही आपको बता देती हूँ पद्म अवॉर्ड टोटल एक सौ दिए गए हैं ये दिए जाते हैं कैसे दिए जाते पद्म विभूषण हो गया ठीक है पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री अब विभूषण जो है छह लोगों को मिले भूषण जो है नौ लोगों को मिले और बाकी बच गए आपके जो है यहाँ पे नाइन्टी वन ना ये पद्मश्री हो जाएंगे टोटल कितने 106 लोगों को पद्म अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है आप सारी जो लिस्ट है ना वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है पद्म विभूषण वाले याद रखिएगा आप बस यहाँ पे ठीक है नाम जो है वो विभूषण वाले पूछे जा सकते हैं ये छह नाम याद रखने इसके अलावा जो है ये नाम तो नहीं पूछे जाएंगे मरणोपरांत वालों का नाम याद रख लीगा जो पास्ता मसली है ये पद्मश्री देखो पद्मश्री नाइनटी वन को मिला है इसमें से जो पास्ता मसली है वो याद रख लीजिएगा उनके आगे लिखा हुआ है ये पास्ता मसली ठीक है चलो नेक्स्ट

नहीं जो कहा हो रहे चाइना के अंदर हो रहे हैं आगे देखो शॉर्ट शॉर्ट टैब्लू फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे 2023 जो पहली बार झांकी दिखाई थी गणतंत्र दिवस पर किसने दिखाई पहली बार झांकी दिखाई थी किसने दिखाई थी ये पूछा जा रहा है आंसर

Narcotics Control Bureau. क्या है? है, है है. पहली पहली बार बार इसने झांकी दिखाई जो है, वो किया टोयोटो के नए सीईओ बने थे किन का अपॉइंटमेंट हुआ था यहाँ पे किन का अपॉइंटमेंट किया गया था अकियो टोयोडो नाम मिलता जुलता है तो आसानी से याद रह जाएगा टोयोटो से टोयोडो ठीक है नेक्स्ट हाल ही में न्यूजीलैंड के अंदर न्यू प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया गया था न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है ये कौन बनकर आए थे क्रिस क्रिस हिपकिंस हिपकिंस बने बने थे थे है ना कौन लेबर पार्टी से नेक्स्ट प्रमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी जो है ये बनाई गई थी आपसे पूछा जा रहा है वही इसके कौन देखो आप सभी जानते हैं ये जो मुद्दा है वो काफी टाइम से चल रहा था है ना कुश्ती के उसमें काफी टाइम से ये चल रहा था मुद्दा जो है अभी एलिगेशन लगाए हुए थे जो इसके हेड है ब्रजभूषण जो है इन पे काफी सारे सेक्सुअल हेरासमेंट की एलिगेशन लगाए हुए थे तो इन सारी चीजों की जांच करने के लिए क्या है वो जो आपका ये फेडरेशन ऑफ ए रेसलिंग फेडरेशन जो है इसने क्या किया एक कमेटी बनाई थी अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स जो हैं वो थी आपको बताना है इस कमेटी के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे बिल्कुल सही है काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है ठीक है सेवन मेंबर्स थे बिल्कुल सही बात है सात मेंबर्स थे में जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसके अंदर अब इसमें मैरी कॉम भी शामिल थी और इसके अंदर मैरी कॉम भी शामिल थी और सहदेव यादव भी शामिल थे नेक्स्ट किस संस्था के द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस को डेवलप किया गया भरोस कह सकते हैं आप इसको भरोस को डेवलप किया गया था आपसे पूछा जा रहा है किस

आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस ठीक है इसमें क्या है आपको फोन खाली मिलेगा बिल्कुल आप जो इंस्टॉल करना चाहो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो तो आपसे पूछा जा रहा है इसे किसने डेवलप किया था आंसर बताइए अच्छा आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया था ओके और कोई सब लोग आंसर किया करो ठीक है आईआईटी मद्रास इज योर करेक्ट आंसर आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया नेक्स्ट व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम सहर्ष के नाम से क्या है एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है कौन से स्टेट में त्रिपुरा के अंदर इसको लॉन्च किया गया एजुकेशन के फील्ड में ये चलाया गया था नेक्स्ट वीर गार्डियन 2023 एयर फोर्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में इसको कंडक्ट किया गया इंडिया और जापान जापान के साथ में एक जाइमेक्स एक्सरसाइज भी हम करते हैं कौन सी जाइमेक्स और एक करते हैं सहयोग काजन ये आ, सहयोग सहयोग काजन ये भी कंडक्ट की जाती है जापान के साथ में ठीक है नेक्स्ट

इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत सही है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है गलत है ऑप्शन नंबर डी मैं भी भूल गई थी इसका नाम अरे यार रुको एक सेकेंड सोनिया गुजरारा मुझे लग ही रहा था कि ए और डी में है हम्म सोनिया गजाजारा अच्छा गजाजारा अगर मैं पढ़ लेती तो पक्का गजाजारा से याद है सोनिया गजाजारा थी ठीक है गजरा से हमने याद किया था ना इनका नाम भूल गई सोनिया गजाजारा कि मैम आप ही भूल गई हम तो नहीं भूले चलो खैर होता है होता है कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से गई, पूछा जा रहा है ये किन का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया था आंसर हां जी किन का अपॉइंटमेंट किया गया था यहां पर विच इज य ऑप्शन नंबर ए सुल्तान अल जाबिर बिल्कुल करेक्ट है सुल्तान अल जाबिर जी का अपॉइंटमेंट पे किया गया करेक्ट है UAE से वेयर द द सुर सरिता सिम्फनी ऑफ ऑफ गंगा मिनिस्ट्री कल्चर रिसेंटली आप देखो सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया था किसने किया कल्चर मिनिस्ट्री ने ये मिनिस्ट्री किसके पास में मिलेगी जी किशन रेड्डी जी के पास में है अब पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे इसका आयोजन किया गया भोपाल वाराणसी इंदौर या फिर जबलपुर में इसका आयोजन किया गया आंसर कौन सी जगह पे आयोजन किया गया था अनामिका करेक्ट है। वाराणसी इज योर आंसर वाराणसी में हुआ था इसका आयोजन ओके okay, नेक्स्ट बस खत्म हो गए जनवरी के करंट अफेयर्स, अब फेब्रवरी के शुरू होने वाले हैं तो यहीं पे स्टॉप करेंगे अब हम दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग 2023 वाज़ सेलिब्रेटेड इन विच आईआईटी किस आईआईटी में भारत का सबसे बड़ा जो है क्या छात्र संचालित महोत्सव है सारंग महोत्सव 2023 को सेलिब्रेट किया गया आपको बताने कि कौन सी आईआईटी के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था आईआईटी मद्रास आंसर क्या हो जाएगा आई मद्रास में सेलिब्रेट किया गया था सो दिस द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही करेंगे अब आपसे मुलाकात करेंगे हम 11 बजे स्टैटिक जीके वाले सीरीज में स्टैटिक जीके वाली जो फाइनल पंच के क्वेश्चन हैं उससे जरूर आप लोगों को लगाने हैं वो आप लोगों के सारे सब्जेक्ट में हेल्पफुल होंगे यानी कि हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी स्टैटिक उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका पूरा जीएस तो डेली मैं थर्टी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ आज भी थर्टी क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कराए जाएंगे तो सभी लोगों को इसमें जरूर जरूर जुड़ना है ओके ठीक है और बाकी कोई अगर मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहता है जहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिसी जो है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी अगर किसी को सिलेबस करना है नॉन टेक का या टेक्निकल का भी तो कंबाइंड बेच जो है वो लॉन्च हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सभी एग्जाम्स को लेकर के तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आपको क्या करना है सिंपली आपको जाना है गूगल क्रॉम पे अडर ट्वेंटी फोर सेवन आपको टाइप करना है और उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऊपर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आप अपना एग्जाम यहां से सेलेक्ट करेंगे मेरा जो पोर्शन है मैं जो कवर करा रही हूँ ए के एग्जाम्स को बाकी आपको अच्छे यहां पर भी अच्छी टॉप फैकल्टीज मिलेंगी जैसे कि ये है एग्जाम का

महापैक में आपको सब कुछ मिल जाएगा सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हो इस पर क्लिक करना है और आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जाते हैं व्यू ऑफर्स पे तो डिस्काउंट मिलने के लिए कूपन कोड Y774 क्या है Y774 अप्लाई कर दीजिएगा तो अमाउंट हो जाए हो चुका है साढ़े तीन हजार जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ओके वाई सेवन सेवन फोर ये हर एक एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल है चाहे आप किसी चाहे आपके भाई बहन किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे वो बैंकिंग हो गया एसएससी हो गया जो भी हो गया सब में ये वाला कोड एप्लीकेबल होगा 478 सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट ठीक है चलो तो ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात करते हैं हम कल वाले सेशन में ठीक है फिलहाल मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है तो मिलते हैं ग्यारह बजे मिलेंगे उसके बाद कल फ़रवरी का करंट अफेयर करेंगे हम हाँ, ठीक है चलो ओके बाय बाय हैव ए गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट और हाँ जो नए स्टूडेंट्स आए सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दट मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सो थैंक यू सो मच बाय आपका कोर्स किस बैच में है श्रेया पटेल जी आपको मिलेगा जिस बैच में आपको पढ़ना उसमें देखो और मेरा आपको बाकी ऑलमोस्ट सभी बैचेस में है एक बार चेक कर लेना ढूंढो थोड़ा सा मेहनत करो मिल जाएगा ओके चलो बाय बाय गाइज